सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार तुहाडा फिर तो बहुत स्वागत है जी टूडे पंजाब न्यूज़ चैनल ते। मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू लैके हाजिर हुए हैं जी अज के दिन दीयां सुबह दीयां ताज़ा तरीन वड्डियां खबरां। दोस्तों इन्हां खबरां नूं शुरू करते पहले एक बार नज़र मारने आ चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवी खबर है कि पंजाब विच राज आफत नजिठण फंड कायम करन नूं प्रवानगी, बचाव कार्जां लई होवेगी फंड की वरतों। भगत सिंह नूं अतवादी कहण ते सिमरनजीत मान की घेराबंदी आप वालों कानूनी कार्रवाई के संकेत। वड्डी खबर NDA ने जगदीप धनखड़ नूं ऐलान्या उप राष्ट्रपति उम्मीदवार। सीएम मान का ऐलान 1 जुलाई तो मुफ्त बिजली गारंटी लागू, 51 लाख घरां दे बिल आउणगे जीरो। पंजाब च फिर डूंगा हो सकता सिख जथेबंदियां अते डेरा समर्थकों विचाले विवाद, पुलिस अलर्ट। राष्ट्रपति चोणां लई आम आदमी पार्टी का वड्डा फैसला, इस उम्मीदवार नूं देवेगी समर्थन। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे ते डीजल 40 रुपये 54 पैसे सस्ता, इस देश के प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। पंजाब च अगले 2 दिनों तो बाद बारिश की चेतावनी। चप्पल पा के बाइक या स्कूटी चलाई तो ढिली करनी पवेगी जेब, 1 रुपये होगा चलान। सिमरजीत सिंह बैस नूं मुड़ 2 दिनों के रिमांड से भेजा, बाकी मुलजम न्यायिक हिरासत च भेजे। किसानों को 31 जुलाई तक है मौका, जे ये काम ना किया गया तो झलना पवेगा भारी नुकसान। तो दोस्तों ये सीगियां अपनियां इस वेले दीयां चोणवीआं खबरां। हुण गलबात करदे जी इन्हां खबरां दी विस्तार नाल। उस तों पहलां जिहड़े दोस्त मित्र अपने चैनल ते नवें आए ने चैनल नूं सबसक्राइब करके घंटी दा बटन जरूर दबाना, तां जो असीं नवीं खबरां पाया करांगे उहदी तुहानूं नोटिफिकेशन जिहड़ी मिल जा करूगी। तो दोस्तों गलबात करते हैं जी पहली वड्डी खबर दी कि पंजाब विच राज आफत नजिठण फंड कायम करन नूं प्रवानगी, बचाव कार्जां लई होवेगी फंड की वरतों। पंजाब विच किसी कुदरती आफत दौरान राहत अते बचाव कार्जां दे प्रबंधन लई हुण राज आफत नजिठण फंड करन नूं प्रवानगी दे दित्ती गई है। सीएम मान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पंजाब विच किसी भी तरह की कुदरती आफत दौरान फौरी मदद अते बचाव कार्ज के प्रबंधन लई राज आफत नजिठण फंड कायम करन नूं प्रवानगी दी गई है। फंड की राशि कुदरती आफत नाल नजिठण लई संबंधित प्रोजैक्ट बनाउण लई सहाई होवेगी। पंजाबियों की हर मुश्किल घड़ी दौरान सुरक्षा करना साडी तरजीह है। भगत सिंह नूं अतवादी कहण ते सिमरनजीत मान की घेराबंदी आप वालों कानूनी कार्रवाई के संकेत। संगरूर तो नवे चुने सांसद मैंबर अते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान वालों शहीद भगत सिंह नूं अतवादी कहण तो बाद पंजाब की सियासत गरमा गई है। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि भगत सिंह ने एक नौजवान अंग्रेज़ अफसर और एक अमृतधारी सिख कॉन्स्टेबल चरण सिंह नूं मारिया सी। उसने उस समय नैशनल असैंबली में बंब सुट्टिया सी। हुण तुसीं ही दसो कि भगत सिंह अतवादी सी जां भगत। आम आदमी पार्टी ने इस बयान नूं शर्मनाक दसदा सिमरजीत सिंह मान तो बिना शर्त माफ़ी मंगण दी मांग की है। आपने चेतावनी दी है कि जेकर वह माफ़ी नहीं मंगते तो पार्टी उस खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल ने भी मान के बयान से सख्त निखेधी की है। वड्डी खबर NDA ने जगदीप धनखड़ नूं ऐलान्या उप राष्ट्रपति उम्मीदवार। दोस्तों NDA ने जगदीप धनखड़ नूं उप राष्ट्रपति उम्मीदवार ऐलान दिता है। भाजपा की संसदीय बोर्ड वालों यह फैसला लिया गया है। जगदीप धनखड़ पश्चिमी बंगाल के गवर्नर ने अज दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई, जिस विच PM मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सकत्तर BL संतोष और मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान मौजूद सन। मीटिंग तो बाद पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने दस्सिया कि मीटिंग में NDA के उप राष्ट्रपति उम्मीदवार नूं लैके चर्चा हुई है। कई नावां नूं देखण तो बाद असीं फैसला कीता कि NDA के उप राष्ट्रपति अहुदे के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ होणगे। जगदीप धनखड़ एक किसान के पुत्र हैं जिन्हां ने अपने आप नूं लोकां दे राजपाल वजों स्थापित किया है। सीएम मान का ऐलान 1 जुलाई तो मुफ्त बिजली गारंटी लागू, 51 लाख घरां दे बिल आउणगे जीरो। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली आप सरकार ने अपने चोण वादे नूं पूरा करदे होए बिजली गारंटी का तोहफा 1 जुलाई तो लागू कर दिता है। हुण जुलाई अगस्त के बिल जो कि सितंबर के पहले हफ्ते आएगा, इस विच पंजाबियों नूं 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज खुद इसका ऐलान किया। सीएम मान ने कहा कि 1 जुलाई तो मुफ्त बिजली का वादा लागू हो गया। जुलाई अगस्त का बिल सितंबर के पहले हफ्ते आएगा। खुशखबरी है कि लगभग 51 लाख घरों को बिजली का बिल जीरो आएगा, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। पंजाब फिर डूंगा हो सकता सिख जथेबंदियां ते डेरा समर्थकों विचाले विवाद, पुलिस अलर्ट। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी किए जाने के मोगा में दर्ज हुए मामलों में डेरा सिरसा नाल संबंधित व्यक्तियों को दोषी करार दिए जाने तो बाद पंजाब में एक बार फिर सिख जथेबंदियां और डेरा समर्थकों विचाले टकराव वाधा नज़र आ रहा। जबर जनाह और कतल केसों में सज़ा भुगत रहे डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार वालों दी गई पैरोल तो सिख जथेबंदियां पहला ही भड़क गई सन। दूजे पासे डेरा मुखी के वर्चुअल आगू जो कि जबर जनाह कारण कतल साबित हो चुके ने दे प्रोग्रामां नूं अग विच घिओ दा काम कीता है। डेरा बसी अते तरनतारन विच सिख जथेबंदियां वल्लों जोरदार विरोध किया गया तो समय सिर सूचना मिलने पर पुज्जियां पुलिस फोर्सां वालों स्थिति नूं विगड़न तो बचा लिया गया, पर संभावना है कि यह रोस होर भी वध सकदा है। राष्ट्रपति चोणां लई आम आदमी पार्टी का वड्डा फैसला इस उम्मीदवार नूं देवेगी समर्थन। आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति चोण में विरोधी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति चोण में उम्मीदवार को समर्थन देने के मुद्दे पर फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी की सियासी मामलों की कमेटी की मीटिंग शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई। इस मीटिंग में राष्ट्रपति चोण बारे विचार वटांदरा किया गया। राष्ट्रपति चोण च वोटिंग ते फैसला लैण तो बाद यह ऐलान किया गया कि पार्टी समूहिक विरोधी धड़े के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। मीटिंग में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पंकज गुप्ता, राघव चड्ढा, अतिशी, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, राही बिडलान ते एनडीप गुप्ता हाजिर सन। आप इकलौती गैर भाजपा गैर कांग्रेसी पार्टी जिस विच दो राज्य दिल्ली ते पंजाब विच सरकारां हन। आप के दोवें सूबे चो 10 राज सभा मैंबर हैं, जिन्हों चो 3 दिल्ली तो ने नाल ही पार्टी के पंजाब 92, दिल्ली 62 और गोवा 2 विधायक हैं। राष्ट्रपति चोण लई सोमवार नूं वोटिंग होवेगी। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे तो डीजल 40 रुपये 54 पैसे सस्ता। इस देश के प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। आर्थिक संकट नाल जूझ रहे पाकिस्तान च प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वीरवार को पेट्रोल ते डीजल दी कीमतों में कटौती करने का ऐलान करके जनता को राहत देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत 18 रुपये 50 पैसे तो डीजल की कीमत 40 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर घट कर दी गई है। इस तो बाद पेट्रोल की कीमत घट के 230 रुपये प्रति लीटर डीजल की कीमत घट के 236 रुपये प्रति लीटर हो गई है। याद रहे कि पाकिस्तान इस समय विदेशी कर्जा वधन करके विदेशी मुद्रा दे संकट का सामना कर रहा। शहबाज सरकार ने सत्ता च आने के नाल ही IMF के दबाव से तेल दी कीमत वधा दी सन। हुण सरकार ने IMF की सहमति तो बाद कीमत जड़ियाँ घटा दी ने। पंजाब च अगले 2 दिन तो बाद बारिश की चेतावनी। दोस्तों, शनिचरवार लुधियाना के आस पास के इलाकों में बूंदाबांदी हो गई है। इस तो बाद एतवार तो सोमवार हल्की बारिश की संभावना तो 19 जुलाई तो मानसून होर सरगर्म होगा तो तेज़ बारिश हो सकती है। इन्हों पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, हुशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, रोपड़ और पटियाला शामिल ने। दूजे पासे बाकी जिलों में हल्की तो दरम्यानी बारिश जड़ी हो सकती है। चप्पल पा के बाइक या स्कूटी चलाई तो ढिली करनी पवेगी। जेब इन्ने रुपये का होगा चलान। मोटर व्हीकल एक्ट अनुसार तुहानूं भारत में वाहन चलाते समय कुछ चीज़ा पहननिया चाहिए ने। नियमों मुताबक दोपहिया वाहन चलाते समय पूरी तरह बंद जुत्तियां पहननिया जरूरी ने। कानून की उलंघना करने वाले को 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। इस तरह गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति लिए पैंट के नाल कमीज या टी शर्ट पहननी जरूरी है। इस नियम की उलंघना करने वाले को 2000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। भारत सरकार ट्रैफिक रूल्स के सेफ्टी वैल्यूएशन लगातार सख्त होती जा रही है। उसने लागू करने वाहन बनाने दे दिशा निर्देशों ते होर पहलुओं में कई बदलाव किए हैं, पर असीं अज इस बारे गल नहीं कर रहे। अज असीं घट पता होने वाले ट्रैफिक रूल्स की गल करांगे, जिन्हां बारे तुहानूं पता होना चाहिए तां जो तुसीं कोई नियम ना तोड़ो तो तुहानूं जुर्माना ना भरना पवे। बेशक तुसीं सवारी करते समय हेलमेट पहनने वर्गे नियमां ते इस तरह दीयां चीज़ां तो जाणू होवेगी, पर की तुसीं जाणो कि कानून अनुसार तुहानूं स्लिपर या चप्पल पा के दोपहिया वाहन चलाउण दी इजाजत नहीं है। ते इस बारे तुहानूं थोड़ी जी जानकारी देवांगे। दो ड्राइविंग लाइसेंस, जेकर किसी व्यक्ति को 2 ड्राइविंग लाइसेंस पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को जुर्माना भरना पवेगा। जेकर तुहाडे कोल 2 लाइसेंस पाए जाते हैं तो तुहाडे ते अपराध लई चलान किया जाएगा। फोन का इस्तेमाल तुसीं जिहड़ा नहीं कर सकते, ना ही तुसीं चप्पल पा के जिहड़ा अपना वहीकल चला सकते हो। इस ते तुहानूं जुर्माना भरना पै सकता है। सिमरजीत सिंह बैस नूं मुड़ 2 दिन के रिमांड पर भेजा, बाकी मुलजम न्यायिक हिरासत में भेजे। जबर जनाह मामले में घिरे लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैस दीयां मुश्किलां घटण दा नाम नहीं लै रही। ਅੱਜ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अदालत में बहस दौरान पुलिस ने कहा है कि सिमरजीत सिंह बैस उन्होंने सवालों का जवाब सही तरीके नहीं दे रहा। जबर जनाह मामले में लैके जो भी उन्होंने को पूछा जा रहा सिमरजीत सिंह बैस सवालों तो भज रहा है। किसानों को 31 जुलाई तक है मौका, जे ये काम ना किया तो उन्होंने झलना पवेगा भारी नुकसान। आज की लास्ट खबर है जी कि मानसून के शुरू होने किसानों ने सोने की फसल की बिजाई शुरू कर दी है तो कुछ थावां ते बिजाई भी पूरी हो चुकी है। अजिही स्थिति में जरूरी है कि तुसीं अपनी फसल का बीमा करवाओ, इस नाल हाड़ जां सोके की स्थिति में तुहाडे नुकसान की भरपाई हो सकती है। इसलिए जल्दी तो जल्दी प्रधानमंत्री योजना का लाभ लैण लई 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवाओ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों लिए बहुत फायदेमंद है। प्रधानमंत्री ने कई सालों तो किसानों नूं इह सहूलत दित्ती हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत वध किसान शामिल होना सरकार यही चाहती है। इस कारण किसानों सोके जां हड़ की स्थिति में ज़्यादा नुकसान नहीं झलना पैंदा। जे फसल का नुकसान होंदा है तो किसानों को बीमे की रकम मिलेगी। इसका लाभ लैण लई 31 जुलाई 2022 तक बीमा करवा लो। जे तुसीं नियमित मिति तो पहला पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करदे तो स्कीम का लाभ नहीं लै सकोगे। दस दिए कि इस योजना तहत रजिस्टर्ड किसानों को कुदरती आफत कारण होए नुकसान का मुआवजा जिहड़ा दिता जाता है। तो दोस्तों ये अपनियां अज सुबह दीयां ताज़ा तरीन वड्डियां खबरां। दोस्तों जे साडे द्वारा दी गई जानकारी तुहानूं चंगी लगी है तो अपनी इस जानकारी नूं वध तो वध लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो दोस्तों असीं मिलते हैं जी अगले दिन दीयां नवीं ते होर ताज़ा खबरां नाल। हुण दे लई इन्ना ही, धन्नवाद, सत श्री अकाल।